जा रहे हो? जाने वाले को रोकना अच्छा नहीं होता, तू जानती नहीं? जानती हूँ। वैसे तो मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी, मगर देवा बापा ने खेत से मेथी की सब्जी ला दी है, आपको अच्छी लगती है ना, इसलिए मैंने बनाई है आलू के साथ। इसलिए सोचा अगर थोड़ा खा के जाते तो। मैं तुझ पे हाथ उठाता हूँ, गालियां देता हूँ, तुझे नहीं लगता कभी मुझ पे हाथ उठाए? छी, हाथ उठाने से क्या होगा, कुछ भी करके मुराद क्यों पूरी करूं? और मारपीट से किसी का जी थोड़ी ना जीता जा सकता है। अच्छा ठीक है, परोस दे। मात आ गई है? चाची के घर से अभी लौटी नहीं है। अच्छा, अच्छी बनी है सब्जी। तो फिर आज बिना पिए ही सब्जी भाखरी में समाधान क्यों नहीं मान लेते? देख, मैंने कितनी बार कहा है तुझे, तू मेरे पीने के बारे में बात करना छोड़ दे, ये आदत अब मेरे साथ ही जाएगी। आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, बस पीना छोड़ दीजिए। फिर से वही बात। ठीक है, काट दे अपनी गर्दन। सचमुच काट दो फिर पीना छोड़ देंगे? साली अपनी जिद नहीं छोड़ती। भरत की दर ये आज देर कर दी? बीवी से झगड़ा करके आया होगा। अरे यार वही रोज की किटकिट, मत पियो। अरे मेरी बीवी तो इतना गिड़गिड़ाती है बस। अरे मारो पिटो गालियां दो, वो अपना ठेका छोड़ती ही नहीं, कहती है मत पियो। तुम लोग डरपोक और डरपोक। क्यों रे, डरपोक क्यों कहा मुझे? हा? तो क्या कहो, कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा। ए, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, है? जोरू का गुलाम, जोरू का। ए, छोड़ बे, जोरू का गुलाम तो ये है। क्यों? अरे पिछले हफ्ते में कितनी बार देरी से आया तू, है? क्या करे, वो बीवी छोड़ती नहीं है, रोने लगती है वो। ये रोज रोज की खिटकी तुम बंद नहीं कर सकते? मैं होता तो मुंह तोड़ देता। बोलने का नहीं ज्यादा किया था मैंने, वैसा किया था। एक दिन इतनी बुरी तरह से पीटा था, मुंह से खून निकलाया था। हाँ, बाद में मुझे ही दवाई के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी। अरे इसी को तो मैं कहता हूँ ना, जोरू का गुलाम। हाँ। अरे मर जाती तो पीछा छूट जाता। मैं हाथी पे लटका जाता वहाँ। तुम उसे मारने से डरते? तो उसे मैके भेज दे, मैके आसान बात है। ए, तुम लोगों को क्या लगता है, इतनी आसान बात मेरे दिमाग में आई नहीं होगी? आई थी दिमाग में बात, आई थी, लेकिन उसके मायके में भी कोई नहीं है ना। अच्छा तो ये बात है। अच्छा बोल, अगर तू तैयार है तो ये तेरी केस तू मेरे हाथों में दे दे, मैं सब ठीक करके दिखाता हूँ। क्या करेगा भी तू? वो तू मेरे पे छोड़ दे यार, धीरे धीरे सीधा परलोक का रास्ता पकड़ेगी वो, और इस कान की कब्र उस कान को नहीं लगेगी। बस उसकी भी छुट्टी और तेरी भी छुट्टी है। मंजूर? मंजूर 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 मंजूर। पीले पीले
अरे तुलसी, कितने दिनों बाद दिखाई दी। कितना दुबला गई है रे तू, बीमार थी क्या? बीमार तो नहीं थी, बस यूं ही। तो बहुत दिनों से आई क्यों नहीं हमारे घर? अरे तू जानती नहीं, हमारे घर कतरी बनाने का अड्डा चलता है। कितनी औरतें आती हैं, फिर तू क्यों घर पे हाथ धरी बैठी रहती है? अरे वहाँ पर कतरी सीते सीते हम लोग लिखना पढ़ना भी सीख गई है। हाँ। क्या कह रही हो माई, तुम इस उम्र में पढ़ना लिखना सीख गई हो? लो तुझे किसने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई करके? वो तो मैं गलती से बोल गई, पर क्या सचमुच आप पढ़ना लिखना सीख गई हो? तो क्या तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? तुम एक बार आके अपनी आंखों से देख लेना। एक बार नहीं, कल। पक्का कल मैं आ जाती हूँ। और नहीं आई तो तुम अपनी इन भाभियों को लेकर मेरे घर पर आना और मुझे पकड़ कर ले जाना, तब तो ठीक है। तुलसी जरा इधर आना। तो अभी आई। ये प्रसाद ले लो, महाराज जी लाए हैं। ये कैसा प्रसाद है? भगवान के प्रसाद के बारे में ऐसे पूछते नहीं बेटी, चुपचाप श्रद्धा से खा लेते। ओ, खा लो भाभी। हमें नहीं देंगे आप? तुम्हें बाद में, अभी तो सिर्फ भाभी के लिए लाए महाराज। हाँ। तुलसी जरा पूछना तो कौन से भगवान का प्रसाद है ये? बहू जी प्रसाद का ऐसा मजाक नहीं करते, क्यों चाची? ठीक है ना, प्रसाद का ऐसा मजाक मत उड़ा। अरे वो भगत है मालूम है ना तुझे? हाँ ठीक बोली चाची, समझा दे उसे। तू खा ले ये, तू खा ले। अचानक पूजा कैसी इनके घर में? लेकिन तुलसी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छा हुआ हम साथ आए दोनों। तुलसी भाभी मुझे डर लग रहा है, मैं कहती हूँ भाग चलो यहाँ से। उन्होंने देख लिया दर्शन होगा। अच्छा चल नहीं चलो तीनों ने मिलके उसे कुछ प्रसाद खिलाया था, मुझे लगता है वही कुछ गड़बड़ है। प्रसाद में क्या गड़बड़ हो सकती है, प्रसाद तो सब मिलके खाते हैं ना, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती तो सबको तकलीफ होती ना। अरे बाबा प्रसाद सब लोग खाते तब गड़बड़ होती ना। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो कल हमारे वो भी थे वहाँ पर, वो लोग ना तुलसी को मिलके कुछ प्रसाद खिला रहे थे, तो मैंने उनसे प्रसाद मांगा तो क्या बोले पता है? बोले तुम्हारे लिए नहीं है वो। हाँ मैंने भी देखा था, मुझे भी अचरज हुआ। मैं बोली ये कौन से भगवान का प्रसाद है कि जो सबको नहीं खिलाया जा सकता। हाँ वो तुलसी के मुंह से कुछ अजीब आवाज भी निकल रही थी। अभी वो ऐसे ऐसे कर रही थी। अरे बाप रे, देखो 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 देखो, हमें कुछ शक है ना तो हम लोग एक बार जाके देख के आते हैं। सासू जी भी घर में नहीं है, मुझे डर लग रहा है बस। अरे मामा डरने का क्या उसमें, देखो हम लोग सीधा जाएंगे अंदर घुसेंगे, तुलसी से बात करेंगे और उसे यहाँ लेकर आएंगे। बाप रे भरत भैया वो बैठे हुए हैं, वो क्या करेगा मुझे नहीं पता। अच्छा तो फिर मुझे जाना ही होगा। चलो 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 बस। भगत जी इतना बता दीजिए कि ये पूजा क्यों चल रही है? कल रात तो ये हमें मिली थी, तब तो पूजा की बात इसने नहीं बताई। कल तो बोली कि मैं कतरी अड्डे पे आ जाऊंगी। हाँ बोली अगर मैं नहीं आई तो मुझे पकड़ के ले जाओ। अरे कैसी पागल औरत हो तुम, तुम्हें वो कुछ बोलने की स्थिति में लगती है क्या? इसे क्या हो गया है? इसे मुंजा लग गया, मुंजा। मुंजा? ये मुंजा कौन है? मुंजा उस पीपल पे रहने वाला भूत है, भूत। हाँ।
उसे उतारने में कितना समय लगेगा? बता नहीं सकते, 4 दिन 4 हफ्ते। ये पूजा के बाद पहले जैसी ठीक हो जाएगी? बता नहीं सकते। ये किताब कैसी है? अरे पोथी को तुम किताब कहती हो? इस पोथी में भूत उतारने के मंत्र लिखे हैं, मंत्र। क्या हम देख सकते हैं ये किताब? बीच में ना बोलो। भगवान के लिए आप सब चली जाए, मुझे कुछ भी करके मेरी औरत को ठीक करना है, उसके बिना मेरा क्या होगा? घबरा मत, जाओ अब तुम लोग। पानी दे उधर। दाल में कुछ काला जरूर लगता है मुझे। माला, भरत को तुम माला पहनोगी तो भी उसकी दारू आसानी से छूटने वाली नहीं। जेठ जी, माला नहीं, काला काला। साला, किसका साला आ रहा है? तुम्हारा साला, भैया दूज के लिए आता होगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बाबा वो मुझे सब कुछ मालूम है, मगर तुलसी को पागल बनाने में इनका क्या फायदा हो सकता है? मैं जानती हूँ ना, जो बीवी दारू पीने से मना करती है ऐसे बीवी से जान छुड़ाना चाहता होगा, और क्या। बस बस, तू अपने बीच में मत ला। अब मैं अपनी थोड़ी ना कह रही हूँ। मुझे तो तुलसी पे बड़ा प्यार आता है, बेचारी बिन माँ बाप की लड़की, लेकिन सदा हसमुख। मगर जब से ये दारू पीने लगा है तब से बस सब बदल ही गया। तुलसी की तो रौनक ही चली गई है। लेकिन पराई लड़के के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब उसे पराई क्यों कहती है? हाँ देवरानी, गांव की हर लड़की मानो अपनी लड़की होती है, उसका सुख दुख अपना सुख दुख। उस भगत के हाथ में थी एक किताब, बोला उसमें भूत उतारने के मंत्र है। मैं भी उसी किताब की सोच रही थी। अगर वो किताब चुरा के लाए तो? चुरा के? कैसी बात करता है तू? चोरी करना बुरी बात है, समझे? हाँ। फिर से चोरी की बात की ना तो जबान काट दूंगी तेरी। मुझे क्या, तुम किताब बोली? उस पे यमराज का चित्र है, मैं उस दिन दुकान गया था चीनी लाने, तब उसके हाथ में देखी। भगत के? हाँ, तो मैं बोला एक बार देख लूं, तो बोले नहीं हाथ नहीं लगाना। तो शंकर मां बोले इसके हाथ से एक भी चीज ऐसे छूटेगी नहीं, तुझे चाहिए तो चुरानी होगी, नहीं तो किसी के हाथ लग जाने से इसका भांडा फूट जाएगा। ऐसे बोले शंकर मामा? हाँ ठीक है जो बोले होंगे, लेकिन ये चोरी मारी झूठ मूठ सब बड़ों को शोभा देता है, बच्चों को नहीं, समझे? नहीं समझे। बाबा क्या है? कुछ नहीं, लाड़ी से बाहर ले जाओ, समझो जाओ। चलो फिर, चल ना। भगत से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है, वो क्या हमारा बिगाड़ सकता है? अरे तू जानती नहीं, वो जादू टोना जानता है, भूत प्रेत को अपना गुलाम बना सकता है वो। हाँ उसमें बड़ी ताकत होती है, बड़े पाटिल या जीवन चाचा भी उसके सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। इतना अगर जादू मंत्र वो जानता होगा तो गर्मी में गाँव के कुएं में पानी नहीं लाता जादू से? हाँ, या फिर किसी बीमार को ठीक क्यों नहीं कर देता, या खुद अमीर क्यों नहीं बन जाता? अब देखिए हमारे देश में कितने सारे भगत होंगे, कम से कम हर एक गांव में एक तो होगा, तो क्यों नहीं कम से कम अपने गांव के तो सभी जरूरतें पूरी कर देता। अरे सुरू लक्ष्मी भाभी, तुम दोनों ने तो कमाल कर दी, अगर वासु देखेगा तो हम लोगों की छुट्टी करके अगले रामायण महाभारत में तुम दोनों को हीरो हीरोइन बनाएगा। क्या डायलॉग मारते यार, बोलते रहो, बोले बोलो। तो चुप, ये क्या नाटक कर रही है? हाँ तो क्या कह रही थी तुम? ठीक है, मगर साधु भगत इन लोगों की चर्चा करना हमें शोभा नहीं देता। अरे उन पर भगवान की कृपा होती है। फिर से आप वही बात दोहरा रही है, तुम लोगों का क्या कहना है? देखिए माई, वो भगत भी किसी किताब में पढ़कर मंत्र बोल देता है, तो वो किताब हम क्यों ना पढ़े? हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर आप सोचिए,
शुरू। कल तक तुम्हें किताब मिल जाएगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे सब जम जाएगा। आगे इससे की बात बोलना है। मुझे डर लगता है। एक काम कर, ये एक रुपया और रखें। कहते हैं ये भगत किसी का कौवा, गीदड़ या मेंढक बनाते हैं। तो तुझमें क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या बात है, कुछ भी बोलता रहता है। वो जो सामान है ना, किताब वहीं कहीं होगी। चल चल चल। मिल गए। क्या मिल गए? अरे मिल गए जिलम, मिल गए। ऐ तू इतना छोटा कैसे हो गया रे? मैं तेरी छाव हूँ, इसीलिए अंधेरे में खड़ी हो। कौन है? कोई नहीं। कौन है? से यहाँ क्यों ले आए? पाटिल जी, ये भैया ये तो भाई बड़ी खतरनाक औरत है। पाटिल जी। हाँ ना, नामदेव ज्यादा भीड़ मत जमाने दे, ये कोई ग्राम सभा नहीं है। आप मेरी सुन नहीं रहे हो, मैं बताता हूँ, सारे गांव को भुगतना पड़ेगा। अब इतना गुस्सा भी मत कर पाटिल जी। बड़ा मुंह छोटी बात, मैं कुछ कहूँ? क्या कहना चाहता है तू गज्जू? तू जानता है ना ये बहुत खतरनाक मामला है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। मैं क्या कर रहा है? भैंस बकरी है क्या? एक तरह से बोलना पाटिल जी, इस लक्ष्मी ने इसकी पूरी किताब पढ़ी है। किताब? कैसी किताब? झूठ है पाटिल जी, ये किताब मेरी जेब में है, ये पढ़ ही नहीं सकती, ये गुप्त भाषा में है। पाटिल जी आप उसे वो किताब दिखाने के लिए कहो। हाँ। उस पर यमराज की तस्वीर है। ये किताब ऐसी दिखाई नहीं जा सकती, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है वही वो किताब पढ़ सकता है। पाटिल जी हमने मास्टर जी को बुलाया है, लो आ गए मास्टर जी। माफ करना मुझे देरी होगी, पंचों की इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पंचों को परमेश्वर कहा जाता है, तो आप भगवान को याद करके मेरी और इन औरतों की बात सुने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हाँ हाँ बोलिए मास्टर जी। अरे कहिए ना मास्टर जी, साफ मन से कहिए। तो ठीक है ना पंचो? बोलिए बोलिए मास्टर जी, बोलिए। इस बेचारी तुलसी को भूत वगैरह कुछ नहीं लगा है, वो कुछ नशीली चीज शरीर में जाने के वजह से बीमार है शायद। खैर मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, फिर भी अपने अनुभव के तौर पे इतना ही कह सकता हूं कि दवाई देने से वो ठीक हो सकती है। जो गांव वाले इस भगत को इतने बरसों से श्रद्धा से जानते हैं, उनका अपमान करना मैं नहीं चाहता, पर क्योंकि ये इस किताब के बारे में झूठ बोले हैं, इसलिए आज पंचायत के सामने बोलने का मैंने निश्चय किया। वो किताब किसी मंत्र तंत्र की नहीं है, वो सत्यवान और सावित्री की पुराण कथा है। सावित्री ने यमराज से वाद विवाद करके अपने पति के प्राण वापस लाए, उसकी कथा है। सावित्री यमराज से वाद विवाद कर सकी क्योंकि वो पढ़ी लिखी और विद्वान औरत थी।
उस पोथी पर का यमराज का चित्र दिखाकर भगत जी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। सभी गांव वालों के लिए अभिमान की बात है कि अपने गांव की ये दो औरतों ने ये किताब पढ़कर मुझे दिखाई। मेरे ख्याल में ये भगत जी लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते। ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? तो इतने दिनों तक तू हम सबको मूर्ख बनाता रहा। शायद हम सब जो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल न करके सिर्फ अंधविश्वास के अधीन हो जाते हैं वो मूर्ख कहलाने के काबिल ही हैं। अरे बोल ना, अब बोलती बंद क्यों हो गई? बोल ना, बोल। अब ये क्या बोलेगा? अब मुझे सारी बात मालूम हो गई है। और तू तो तुलसी के मैगी की जमीन बेचना चाहता है, हैं? अब उसके जीते जीते तो ये जमीन बेच नहीं पाएगा, इसलिए तूने उसे इस गुनाह में शामिल करके ये षड्यंत्र रचाया है। पर मास्टर जी, ये तो बताइए, क्या भूत प्रेत होते ही नहीं? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मानता हूं कि हम हमारे अंदर बसे हुए भगवान को साक्षी मानकर काम करते रहे तो भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धर्म और कर्म कांड दोनों अलग अलग बातें हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मास्टर जी। क्यूरी, तू कैसे जान गई कि कोई अगर किताब दिखाकर धर्म की बातें बताने लगे तो उसे खुद पढ़े बिना श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, हैं? एक बात मेरे समझ नहीं आ रही, ये किताब इन औरतों के हाथ कैसे लगी? झूठे धर्म के झूठे पुजारी, राम है मुंह में बगल में छुरी, फंसा जाल में मर शराबी, औरत की ये है मजबूरी। सच्चा धर्म तो सबका नेक, कुदरत का कानून है एक। खोल खोल दे नकली धर्म की, ऐसी पढ़ाई है हम सबकी, ऐसी पढ़ाई है हम सबकी। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर बराबर।